हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इफ यू लुक हियर फॉर द डेफिनेशन, दिस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू अपोजिट चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट टू वैक्यूम. मीन्स कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, ये रेशियो है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू सेपरेट टू अपोजिट चार्जेस व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू अपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द वैक्यूम. तो उसको हम क्या कहेंगे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहेंगे. अब जैसे इन जनरल यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दिए है दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर वाटर में, दिस NaCl विल गेट डिसोसिएटेड इन टू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. ठीक है, इस तरह से ये डिसोसिएट होंगे. तो अब जो इसमें हमने सॉल्वेंट लिया है दैट इज वाटर, एंड वाटर जो है उसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट शोज कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का होता है. ठीक है, अब पोलर नेचर का है वाटर, दैट मीन्स कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एक रीजन जो है दैट विल बी मोर पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर रीजन विल बी मोर नेगेटिवली चार्ज. सो बेस्ड ऑन दीज चार्जेस, अब जैसे यहाँ पे जो NaCl है वो डिसोसिएट हुआ है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स में. तो अब ये जो Na पॉजिटिव आयन्स है इट विल गेट सराउंडेड बाई द वाटर मॉलिक्यूल इन सच अ वे कि जो ये नेगेटिव रीजन है इस वाटर मॉलिक्यूल का दैट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, और जो पॉजिटिव रीजन है वाटर का मॉलिक्यूल का दैट विल बी अवे फ्रॉम इट. एंड इन सिमिलर वे जो आपका दूसरा अपोजिट चार्ज है दैट इज Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के अराउंड भी वाटर जो है इट विल सराउंड इट इन सच अ वे कि जो पॉजिटिव रीजन है वाटर मॉलिक्यूल का दैट विल बी टूवर्ड्स द Cl नेगेटिव आयन, और जो इस वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव रीजन है दैट विल बी अवे फ्रॉम इट. ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जो ये NaCl है जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये डिसोसिएट हुआ पॉजिटिवली चार्ज Na आयन में, नेगेटिवली चार्ज Cl नेगेटिव आयन में. अब वाटर में जाके क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इनने इन पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को सराउंड किया, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो Na पॉजिटिव है इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द Cl नेगेटिव आयन. तो ये जो टेंडेंसी है एक सॉल्वेंट की जो कि हमने यहाँ पे वाटर लिया है टू सेपरेट दीज टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स. तो यहाँ पे अपोजिटली चार्ज्ड आयन कौन से है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो इसकी जो सॉल्वेंट की टेंडेंसी है इन दोनों अपोजिट चार्जेस को सेपरेट रखने की, उस एनर्जी को, उस एफिशिएंसी और उस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एंड फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेजरमेंट वी यूज द पैरेलल प्लेट कंडेंसर. तो पहले प्लेट कंडेंसर से हम कैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर विद लिक्विड अपॉन कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इन वैक्यूम. ठीक है, अभी जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है इसमें दो प्लेट्स प्रेजेंट होती है जिसको कि हम अटैच करते हैं एक स्टोरेज बैटरी के साथ. ये जो स्टोरेज बैटरी है यहाँ पे इसका एक एंड जो है दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है दैट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो उसके बाद जब आप इस प्लेट को कनेक्ट करोगे एक स्टोरेज बैटरी के साथ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स will move towards the positive terminal of this battery. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस प्लेट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उससे क्या होगा, ये जो प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे. इसी तरह से जो ये स्टोरेज बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है इट विल स्टार्ट टू रिपेल, और वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगे, इस प्लेट पे. तो इस प्लेट पे डेवलप होगा एक नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम यहाँ से नेगेटिव जो है वो इस प्लेट की तरफ चलता जाएगा, कब तक? एक पॉइंट आएगा कि अब जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम द प्लेट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ अट्रैक कर रहा है, पर साथ के साथ ही इस प्लेट पे भी अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली एक स्टॉप का पॉइंट आएगा यहाँ पे कि फर्दर यहाँ पे जो है ये नेगेटिव चार्ज वो आगे मूव नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, इस ये जो प्लेट है यहाँ पे जो है चार्ज डेवलप हो रहा है, तो कितना इस प्लेट पे अब ये चार्ज डेवलप हो रहा है, कितना इसने स्टोर किया है चार्ज को, दिस इज नोन एज द कैपेसिटेंस, ठीक है। मीन्स कि जब आपने इस प्लेट को एक स्टोरेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, स्टोरेज बैटरी के साथ कनेक्ट होने पे इन प्लेट्स पे चार्ज डेवलप हुआ है, तो कितना चार्ज डेवलप हुआ है, कितना चार्ज ये प्लेट्स यहाँ पे इन्होंने स्टोर किया है यहाँ पे, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ है पॉजिटिव एट दिस साइड एंड नेगेटिव एट दिस प्लेट, इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज। नाउ जो यहाँ पे चार्ज स्टोर हुआ है प्लेट पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको इसमें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर आप हटाओगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं सी, दिस सी इज नोन एज द कैपेसिटेंस, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, कि कितना टेंडेंसी है या कितना चार्ज स्टोर हो सकता है प्लेट के ऊपर व्हेन यू अटैच इट विद अ स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो ये कंडीशन थी जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट था। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब आप क्या कर रहे हो, इन प्लेट्स के बीच में कोई सबस्टेंस को प्लेस कर रहे हो, ठीक है, जिसके कि आपने लाइक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। एंड लेट अस सपोज कि वो सबस्टेंस जो है दैट इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सबस्टेंस जो है उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो दोनों ही कोइंसाइड करते हैं, क्योंकि इनका पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों ही आपस में कोइंसाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए इनको हम नॉन पोलर सबस्टेंस कहते हैं। अब इस नॉन पोलर सबस्टेंस को जब आप प्लेस करोगे इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस नॉन पोलर कंपाउंड। ये इस तरह से अरेंज होंगे कि ये जो सारा है यहाँ पे नेगेटिव जो भी चार्ज है ये इस तरफ को शिफ्ट होंगे एंड पॉजिटिव इस तरफ को शिफ्ट होंगे, एंड इन सिमिलर वे जो यहाँ पे पॉजिटिव है दैट विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। ये तो हो गया केस अगर आपके पास नॉन पोलर सबस्टेंस है। अब दूसरा केस होता है कि अगर आपके पास पोलर सबस्टांस हो, पोलर सबस्टांस में भी क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल है उनमें थोड़ा बहुत डिसअरेंजमेंट होगा, तो जब आप उसको पोलर सबस्टांस को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दोगे तो चार्ज सेपरेशन होगा उनमें, बट क्या होगा लाइक थोड़ा बहुत वो मतलब रैंडमली अरेंज हो, तो उसको प्लेट में रखने के बाद क्या होंगे, वो प्रॉपरली अरेंज होंगे इस तरह के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन उनमें ऑलरेडी चार्ज है वो सेपरेटेड होगा, और नॉन पोलर के केस में पहले चार्ज सेपरेटेड नहीं था, प्लेट में रखने के बाद उनका प्रॉपर चार्जेस का सेपरेशन होगा, ठीक है। नाउ इफ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है दे विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज दीज पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रलाइज होंगे तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है,
पॉजिटिव चार्ज जो है कम जब होगा तो क्या होगा, अगेन जो प्रोसेस पहले यहाँ पे स्टॉप हो गया था ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का, अब वो दोबारा से शुरू होगा। तो जब वो दोबारा से शुरू होगा तो यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होंगे, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे दोबारा चार्ज डेवलप हो रहे हैं आफ्टर प्लेसिंग दिस कंपाउंड इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो दिस ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है, जो ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही है चार्जेस की, और आफ्टर दैट यहाँ पे दोबारा से चार्ज की डिपोजिशन हो रही है, दिस इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट एंड फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर विद लिक्विड अपॉन कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के केस में आपने देखा था कि जो कैपेसिटेंस थी, जो कैपेसिटी एक कंडेंसर की थी दैट वाज लो, लेकिन जब आपने उसमें एक सबस्टेंस ऐड किया यहाँ पे, तो वो सबस्टेंस ऐड करने से क्या हुआ, उसकी जो यहाँ पे और ज़्यादा चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, तो जिसकी वजह से इस प्लेट की कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई। तो उन वैल्यू से आप जब आप उनको कंपेयर करोगे, जब आप उनका रेशियो निकालोगे, तो वहां से आपको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ये सब? एट लास्ट द एप्लीकेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। सो सबसे पहले जो है दैट इज टू चेक द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। तो अगर कोई भी आपके पास कोई ड्रग है आपकी दैट इज ऑफ पोलर नेचर, तो आप उसको एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो सॉल्वेंट का अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो दैट मींस कि जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो पोलर नेचर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यू कैन डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड। सेकेंड जो एप्लीकेशन है दैट इज टू डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग। तो ये भी मैंने आपको पहले इनिशियली चैप्टर में बताया था कि जो कोई भी ड्रग है आपकी उसकी सॉलिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, अगर आपकी अगेन पोलर अगर ड्रग है दैट विल बी सॉलिबलाइज इन अ सॉल्वेंट विच हैव हाई डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा तो दैट मीन्स ड्रग की सॉलिबिलिटी जो है उसमें बेटर होगी। थर्ड एप्लीकेशन इज सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फॉर सॉलिबिलाइजेशन ऑफ ड्रग। अगेन इट इज रिलेटेड टू अबाउट टू कि कोई भी ड्रग है उसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आप उसके लिए एक सूटेबल सॉल्वेंट जो है वो चूज कर सकते हो फॉर प्रॉपर सॉलिबिलाइजेशन ऑफ द ड्रग। That's all about the today's lecture and here completes your unit 2.